लेटेस्ट और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए क्लिक करें बेल आइकॉन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अविनाश। और भैया, ये जो चीज मेरे हाथ में है, इसको आप आखिर बोलते क्या हैं? मॉडेम बोलते हैं, ब्रॉडबैंड बोलते हैं, राउटर बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं, वाईफाई बोलते हैं, आखिर इसको बोलते क्या हैं? जी हां, आप में से बहुत सारे लोग यहां पर जब पर्टिकुलर इस टाइप के प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं मॉडेम को लेकर, ब्रॉडबैंड, राउटर, आखिर इस चीज को पर्टिकुलर बोला क्या जाता है। तो आज की इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपके सारे के सारे डाउट यहां पर क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम और आप कहते हैं चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया अगर हमको चलाना है इंटरनेट, तो यहाँ पास हमारे पास बहुत सारे सेवरल ऑप्शन अवेलेबल है। फिर चाहे अपन मोबाइल से चलाए इंटरनेट, या फिर अपन घर में लगवा ले एक अच्छा सा ब्रॉडबैंड, या फिर उसके अलावा खरीद ले छोटा सा राउटर। तो अभी आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि भैया ब्रॉडबैंड भी हमने सुनते हैं, कभी हम यहाँ पर मॉडेम सुनते हैं, तो कभी यहाँ पर राउटर का टर्म सुनते हैं, तो कभी यहाँ पर जो डोंगल आता है उसका टर्म सुनते हैं, तो आखिर ये सारी चीजें है क्या? तो देखिये, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड, इसको अगर आप ब्रॉडबैंड कहते हैं तो आप बहुत ज्यादा यहां पर गलत है। देखिए, ब्रॉडबैंड का मतलब यहां पर ये ले सकते हो, एक टेलीकम्युनिकेशन के यहां पर अगर दृष्टि से देखा जाए, यहां पर अगर टेक्निकल वे से देखा जाए, तो यहां पर नाम से क्लियर है ब्रॉड प्लस बैंड। अब ये जो बैंड का टर्म होता है वो आता है फ्रिक्वेंसी के लिए। तो यहां पर आप एक ऐसा ट्रांसमिशन टेक्निक समझ सकते, जहां पर अपन ब्रॉड रेंज में या फिर बोल सकते हो वाइड रेंज में मल्टीपल फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं। अब इसमें अपन ले सकते हैं कोएक्सियल केबल, चाहे ऑप्टिकल फाइबर, अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आता है हमारा एक पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड। आपने देखा होगा यहां पर बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड आता है, एयरटेल का ब्रॉडबैंड आता है, आइडिया का ब्रॉडबैंड आता है। तो ये पर्टिकुलर एक टाइप का कनेक्शन है जो कि भैया आपके घर तक प्रोवाइड किया जाता है। अब यहां पर दूसरा चीज आता है, वो होता है मॉडेम। देखिए, मॉडेम बहुत ही सिंपल काम करता है। और मॉडेम का मतलब होता है, देखिए, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इन दोनों शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है मॉडेम। अब यहां पर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर मॉडेम होता है उसका काम ये है कि जो भी आपके लैंडलाइन से जो भी एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको ये कन्वर्ट करता है आपके डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि जो आपका पर्टिकुलर डिवाइस लगा हुआ है, वो कंप्यूटर हो या चाहे कुछ भी हो, वहां पर वो केवल और केवल डिजिटल जो है सिग्नल जो है वो समझता है। तो यहां पर ये जो मॉडेम है वो पर्टिकुलर क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ऐसे ही अगर कोई डेटा आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर से इंटरनेट में भेजा जा रहा है, तो वहां पर आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट होता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है मॉडेम का। इसके बाद आते हैं यहां पर राउटर में। राउटर का काम यहां पर होता यह है कि मान के चलिए अभी तो मेरे पास यहां पर मान के चलिए एक कंप्यूटर है तो ठीक है, लेकिन इसी में अगर मुझे चलाना है 10 से 15 कंप्यूटर एक साथ ऑपरेट करना है, तो यहां पर मैं यूज करता हूं राउटर का। राउटर का काम क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर मॉडेम से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको क्या करेगा, ये मल्टीपल डिवाइड कर देगा सारे के सारे कंप्यूटर्स में, और हम यहां पर मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है वाईफाई राउटर का। वाईफाई राउटर में आपका क्या होगा, एक तो सिंपल राउटर हो गया जिसमें अपन RJ45 केबल लगाते हैं कंप्यूटर के थ्रू, दूसरा हमारे पास होता है यहां पर वाईफाई राउटर। वाईफाई राउटर अगर हमको यहां पर मिलता है, तो यहां पर अपन लैपटॉप है या फिर हमारा जो मोबाइल है उसको अपन सिंपल वाईफाई ऑन करके यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए आजकल जो मॉडर्न जितने भी इस तरह से आते हैं राउटर या फिर जो भी बोल लो आप, तो आजकल दोनों चीजें एक साथ इनबिल्ट कर दिया थी, मतलब इसमें मॉडेम भी कर दिया जाता है, इसमें राउटर भी दे दिया जाता है, और साथ में ये एक वाईफाई राउटर हो जाता है। क्योंकि आपको यहां पर देखिए ये जो एंटीना मिलता है वो पर्टिकुलर वाईफाई के लिए मिलता है, और इसी के साथ अगर आप ये पीछे देखेंगे तो पर्टिकुलर आपको यहां पर जो है कनेक्ट करने के लिए देता है RJ45 केबल अदर कंप्यूटर्स, अदर डिवाइस के लिए। और इसी के साथ ये जो आपको लिखा हुआ है यहां पर, आपका जो भी लैंडलाइन से सिग्नल आता है वो आपको यहां पर इनपुट जो है वो देखने को मिल जाता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर बात करते हैं, आप मार्केट में देखते होंगे डोंगल। अब ये डोंगल क्या होता है, देखिए पहले आपको एक डोंगल मिलता था, डोंगल में आपने देखा होगा कि यहां आपको मिलता है फैसिलिटी, जहां पर पर्टिकुलर वो इस चीज से बहुत अलग है। यहां पर क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर लैंडलाइन से केबल आता है और वो यहां पर लगता है। तो अब अपन मान के चलिए बात करते हैं डोंगल की, तो डोंगल में आपका सिंपल फंसता है सिम, और साथ में आपको यहां पर एक चीज और मिलता है जो कि मेमोरी कार्ड फंसाने का ऑप्शन। तो ये जो पहले जो डोंगल आते थे, जब शुरू शुरू में डोंगल आया तो वो होता था USB डोंगल। इसमें आप क्या करते थे कि सिंपल एक सिम कार्ड फंसाते थे और पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर उस डोंगल का अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे, और उस कंप्यूटर में USB के थ्रू आप पर्टिकुलर डोंगल को फंसाते थे, उसके बाद आप जो है वहां पर अपना काम करते थे। ये हुआ USB डोंगल। इसके बाद आता है वाईफाई डोंगल। वाईफाई डोंगल में आपका क्या होता है, काम वही है, बस आपको यहां पर क्या मिल जाता है, वाईफाई करने की सुविधा मिल जाती है। अब यहां पर आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर डोंगल में आप सिम फंसाते हो, वहां पर वाईफाई ऑन हो जाता है, और जो भी
भी चार्जर होता है उसमें इस डोंगल को फंसा देते हो, और जहां पर बिजली का कनेक्शन रहता है वहां पर आप इस डोंगल को लगा देते हो। तो यहां पर आपको क्या फायदा मिल जाता है कि जो आपका पर्टिकुलर लैपटॉप है या फिर जो आपका मोबाइल है उसको आराम से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आजकल जो आप देखते हो डोंगल, वो एक्चुअल में डोंगल ही है जो कि आजकल इनबिल्ट बैटरी होके आता है, जहां पर आपको डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि जियो फाई हो गया या एयरटेल का जो 4G हॉटस्पॉट हो गया, ये सारे जो है ये भी एक टाइप के डोंगल है, हॉटस्पॉट डोंगल है, और साथ में इसमें जो बैटरी है वो इनबिल्ट कर दिया गया है। और साथ में यहां पर अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, भैया वो सब तो ठीक है लेकिन ये हॉटस्पॉट होता क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पर हॉटस्पॉट। यहाँ पर हॉटस्पॉट का मतलब ये भैया ये हमको प्रोवाइड करता है डब्ल्यू लैन। अब ये डब्ल्यू लैन क्या है? तो वायरलेस लैन हमको यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जहां पर अपन क्या कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइस को वाईफाई के थ्रू या फिर वायरलेस ढंग से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए चाहे आप हॉटस्पॉट अपने मोबाइल को बनाओ, चाहे पर्टिकुलर आप डोंगल का यूज करो, सारी चीजें कॉमन है। तो अब बस आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में जाते हैं इस तरह का प्रोडक्ट लेना, तो आप बोल सकते हो सिंपल इसे ब्रॉडबैंड मॉडेम या फिर राउटर भी बोलोगे तो वो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको देंगे, क्योंकि आजकल यही आने लग गया है। ठीक है, वो पुराने गए जिसमें आपको राउटर अलग होता था और मॉडेम अलग होता था, वो जमाना गया। या फिर आप सिंपल 4G हॉटस्पॉट जिसको बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में डोंगल ही है, वो आप ले सकते हो। तो इसमें कोई इतना बड़ा मेजर वाला बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह डिफाइंड है बस। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो आपको बताना था और सिंपली आपको एक्सप्लेन करना था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इस पूरे वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही, और इसी के साथ आपके मन में कोई भी शिकायत हो जाए कुछ भी हो तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि बंदा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मेहनत तो कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं विनाश मांगे आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।